हाय, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रांजैक्शन आउट यानी कि वो ट्रांजैक्शन जिनमें हम कुछ सेल करते हैं या कुछ बेचते हैं किसी डीलर को या कस्टमर को, उसकी एंट्री हम सिस्टम में कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम पहले सिलेक्ट करेंगे डीलर या कस्टमर जिसे हमने वो बेचा है। सो अगर वो डीलर या कस्टमर इस लिस्ट में नहीं होता तो आप डीलर या कस्टमर एडिशन के सेक्शन में जाके उसे ऐड कर सकते हो। तो हम डीलर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि जिसे हमने बेचा। उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करेंगे, तो अगर हम चाहे तो यहाँ पे सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर कोई सर्विस हमने दी है। तो जैसे कि हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी कि कितने क्वांटिटी कितनी यूनिट बेचे हमने, उसके बाद प्राइस, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पर हमने वो प्रोडक्ट बेचा है। के बाद हम ऐड क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है उसकी एंट्री हो चुकी है बिल में। उसके बाद समझो हमने और कोई प्रोडक्ट बेचा उस, उसके बाद समझो हमने और कोई आइटम बेचा है उसे, जैसे कि सिल्वर। सो उसकी हम प्राइस अपडेट करेंगे कि इस प्राइस पे हमने बेचा, और उसके बाद हम ऐड क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम जब बिल कंप्लीट हो जाता है तो हम यहाँ पे डन क्लिक करेंगे। वो करने के बाद हम यहाँ पे बिल नंबर देख सकते हैं, उसकी टोटल अमाउंट, अगर कोई टैक्स चार्ज किया तो वो भी आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद पेड और बैलेंस कि कितना उस कस्टमर या डीलर ने पे किया है और कितना बैलेंस है आपके रिकॉर्ड के लिए। सो हम पेड एंटर करेंगे, फिर बैलेंस ऑटोमेटिकली दिख जाता है। उसके बाद हम नोट एंटर करेंगे अगर चाहिए तो, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के बाद जो है प्रिंट बटन अनेबल हो जाता है, सो हम प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं अब। और प्रिंट करने के बाद हमें जो है यहाँ पे बिल का प्रीव्यू दिख जाता है कि बिल इस तरह से प्रिंट होगा। सो इस तरह से जो है बिल दिखेगा। सो कंफर्म करने के बाद हम प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, और हम जो प्रिंटर है उसे चूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे। सो इस तरह से हम जो है प्रोडक्ट आउट रिपोर्ट और प्रोडक्ट सेल की एंट्री कर सकते हैं सिस्टम में। थैंक यू।